तो अभी मैं टेस्ट राइड के लिए आया था BMW G310 RR के लिए, बट पसंद मेरे को कोई और सी बाइक भी आ गई, तो देखेंगे अगर उसकी टेस्ट राइड भी मिल जाए। तो अभी बात कर लेते हैं G310 RR के बारे में। पहले मैं आपको ब्लैक कलर दिखाता हूं, उसके बाद व्हाइट पे लेकर चलूंगा। तो गाइज ये रही हमारे सामने BMW G310 RR। तो ये अभी हमारे सामने खड़ा हुआ ब्लैक कलर, एंड इसकी की में आपको सबसे पहले थोड़ा सा फर्क देखने के लिए मिलेगा। RR 310 की थोड़ी सी चेंज है, तो इसकी की आपको कुछ इस तरह की मिलती है, एंड इसको आप इसमें लगाओ एंड ऑन कर दो। ऑन करने पर आपको यहाँ पे BMW मोटर्ड मेक लाइफ राइड लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पर सेम फीचर्स मिलने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे। आप जब सेट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से राइड मोड चेंज कर सकते हो, अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक, आपको जो भी मोड लगाना है आप इजीली लगा सकते हो। आपको मिरर में भी कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, सेम मिरर है। और अगर इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके का है, आप यहाँ से देख सकते हो फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब खाने को आती है एक तरीके से ये बाइक। अगर इसकी टेल्ट आईडी की बात करें तो आपको कुछ इस तरह की टेल्ट आईडी मिलती है, जो आपको RR 310 में मिलती है। अपाचे RR 310 की मैं बात कर रहा हूँ। और एग्जॉस्ट की बात करें वही आपको एग्जॉस्ट सेम मिलता है। पहले मेरे को लगा कि इस वाली बाइक में क्विक शिफ्टर ऐड कर दिया गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बाइक में क्विक शिफ्टर आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एंड इसकी चैन एकदम खतरनाक लगती है भाई। आपको यहाँ पर मिल जाता है BMW का लोगो, जो आपको RR 310 पे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, वो अपाचे लिखा हुआ दिखता है बस नॉर्मली। तो यहाँ पे BMW का लोगो है, एंड BMW अगर यहाँ पे एक लोगो दे देते ना, यहाँ पे लोगो होता है, यहाँ पे कहीं पे लोगो होता, तो भाई इसकी और ज्यादा वैल्यू हो जाती। यहाँ पे आपको BMW देखने के लिए मिलेगा, जब आप मोटो व्लॉग करोगे तो इस तरीके से भी यहाँ पे BMW शो करेगा। बाकी जब इसका मीटर देखोगे तो आपको ये वाली ही फीलिंग आएगी जैसे अपाचे RR 310 में, लेकिन जब आप इसको इग्निशन को ऑन करोगे तो यहाँ पे BMW मोटर्ड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। वही आपको हजार्ड मिल जाते हैं, अगर आप ये वाला बटन प्रेस करते हो एक बार तो इसके चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं, देख रहे हो चारों इंडिकेटर अब इसके जल चुके हैं, बस आपको एक बटन प्रेस करना है। एंड एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको डायरेक्ट बंद कर देते हो हजार्ड ऑन करने के बाद, तो भी ये जलते ही रहते हैं, देख रहे हो ये अभी भी ऑन है, मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया। अब इनको ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। जब ये पूरे तरीके से ऑन हो जाएगा, अभी आप प्रेस करो वो रुकेंगे नहीं, अभी ये ऑन हो चुका है, उसके बाद आप प्रेस करोगे तब ये रुक जाएंगे। अब आप इग्निशन ऑफ करोगे तो आप देख सकते हो ये हजार्ड बंद हो चुके हैं। तो ये रहा व्हाइट कलर। डिंपल कैसा लग रहा है, ब्लैक से बढ़िया लग रहा है ना? तो भाई ये ब्लैक से बढ़िया लग रहा है। BMW इसको बोलते हैं पोलर व्हाइट। अब पोलर व्हाइट ऐसा होता है आपके सामने, इस वाली बाइक में क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, ये कंपनी फिटेड आते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मार्केट ही लगाए हुए हैं, कंपनी फिटेड तो नहीं आते, बिकॉज मैंने इसका ट्रेलर देखा था। बाकी इसमें यही आपको BMW का लोगो मिल जाता है, इंडिकेटर इसका टूट चुका है। ओके, तो कोई इसको टेस्ट राइड के लिए लेके गया था, उस बंदे ने इस बाइक को गिरा दी थी, देख रहे हो भाई। मैं आपको एक बार बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता था कि ये जो होती है ना ये बेकार होती है, गिरते ही टूट जाएगी, बट ऐसा नहीं होता गाइज। ये मेरे दोस्त की बाइक गिर गई थी, RR 310 ऐसे घिसता हुआ गया था रोड पे को, बट इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, ऐसा लगता है कि टूट जाएगी गिरते, बट ऐसा नहीं है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है वैसे तो। भाई देखो इस वाले कलर की बात करें तो इसका आपको कितना ऑन रोड प्राइस करेगा पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको टेस्ट राइड के लिए लेकर चल लेता हूँ। बैठने में वही वाली फीलिंग आ रही है, सेम RR 310 वाली। बाकी अगर इसके मीटर कंसोल की बात करें, वही आपको नॉर्मली मोड्स चेंज करने हैं, ऐसे एक बार ऊपर वाला बटन प्रेस करोगे तो मोड्स के चेंज हो जाएंगे, देखो अभी ये ट्रैक मोड पे लग चुकी है और अभी ये अर्बन मोड पर है। तो अब मैं इसको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे BMW लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कोई भी लोगो वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, और इसकी भी की में इस तरीके का फर्क है, मतलब ये थोड़ी RR 310 से अलग है। तो भाई इसको लेकर चलते हैं, साउंड में आपको आगे चलकर सुनाऊंगा इसके। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले मैं इसको अर्बन मोड में ही चलाने वाला हूँ, उसके बाद इसके मोड चेंज करेंगे। तो फाइनली हमारे हाथ में आ चुकी है G310 RR। ओके 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 ओके, हाँ तो गाइस मैंने रोड पर आने के बाद ये फील किया कि एक्सीलरेशन में थोड़ी सी पावरफुल है। अगर RR 310 को चलाते हैं तो एकदम से पिकअप नहीं पकड़ती अर्बन मोड पे, मतलब जिस तरीके से ये पकड़ रही है, मतलब ऐसे करते एकदम भाग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई नई बाइक है इसलिए शायद पिकअप इतना हाई हो रहा है उसका। तो भाई अभी तो रोड खाली नहीं है, अभी मैं इसको रेन मोड पे कर लेता हूँ, बिकॉज बारिश हो रखी है। रेन मोड में सेम पावर है जो RR 310 में है, वही इसमें। मैं बाइक को एक साइड में रोक लेता हूँ, उसके बाद अच्छे इसका वर्कराउंड दे देता हूँ, उसके बाद इसको कहीं पे
लेकर चलेंगे सही तरीके से। रोड बहुत बेकार है यार, यहाँ पे तो हम कुछ चेक भी नहीं कर पाएंगे। ओह भाई कितना बेकार रोड है यार। मैंने बाइक को लगा रखी है स्पोर्ट्स मोड पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत टाइम पर इसकी टेस्ट राइड लेने के लिए आ गया बारिश के मौसम में। वाओ स्पोर्ट्स मोड में आई ना कुछ पावर। अब आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जुन्नू भाई BMW वाले जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं क्या ये सही ले रहे हैं या फिर बेकार है, तो भाई उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, जरा दो चार मिनट रुको तो आप। वाओ भाई पिकअप तो खतरनाक है, तो बाइक को रोकता हूँ मैं साइड में। तो भाई अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि एग्जॉस्ट की इसकी आवाज कैसी है। भाई बिल्कुल सेम आवाज है जैसी RR 310 की आवाज है ना, सेम वैसी आवाज इसकी है। एक बार और मैं आपको सुना देता हूँ। मतलब मेरे को तो माइनर से भी चेंज नहीं दिख रहा, जैसी RR 310 की आवाज है सेम इसकी आवाज है। बाकी लुकिंग वाइज तो भाई ये कड़क लगती है, ट्रस्ट में देखने में तो इतनी मस्त बाइक लगती है ना ये, जिसको देखे दो घड़ी। अगर इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती ना तो बस मजा ही आ जाता। और इसका जो फ्रंट लुक है ना वो बहुत ही ज्यादा कातिल लगता है भाई, देख रहे हो ना कितनी खतरनाक लगती है फ्रंट लुक से। तो अब मैंने बाइक को लगा ली ट्रैक मोड पर। ओ भाई ट्रैक मोड में तो भाई चीर फाड़ कर देती है बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि इसकी टॉप स्पीड चेक कर लूंगा, बट यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा कि किसी रोड पे इसकी टॉप स्पीड चेक हो पाएगी। अगर आपको BMW की ब्रांडिंग चाहिए तो आप इस बाइक को ले सकते हो। अगर आपके लिए BMW मैटर नहीं करता तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप RR 310 ही ले लो। तो गाइस इसका फर्स्ट गियर चेक करते हैं। 58 83 107 तो थर्ड गियर तो मैंने इसका चेक कर लिया, फोर्थ गियर शायद मैं इसका यहाँ पे चेक नहीं कर पाऊंगा। ट्रैफिक काफी है, चलाने में यार एकदम स्मूथ है, बस थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हैं, कोई आपको इरिटेट तो करेंगे नहीं। अब ये वाइब्रेशन आपने सुना होगा, कभी कभी पहली नजर में प्यार हो जाता है किसी को देखकर, तो मुझे ना ये वाली बाइक देखकर पहली नजर में प्यार हो गया था सीरियसली, बिकॉज इसके जो कलर है ना यार वो सीधा क्या बताऊं मैं आपको बस। वाओ क्या पावरफुल मशीन है यार, बस मन कर रहा है कि अब RR के बाद यही मेरे पास हो इसके कलर की वजह से, बाकी सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया सेम है। तो कंप्लीट व्लॉग तो आपने देख लिया, अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ। देखो भाई BMW की जो सर्विस है वो भी काफी कॉस्टली होने वाली है, लगभग 6,000-7,000 रुपए पहली सर्विस, और TVS Apache की रहती है 2,400-2,500 रुपए बस। BMW G310 RR एंड Apache RR 310 में जो मेरे को डिफरेंस लगा वो कलर का लगा, बाकी मेरे को सब कुछ सेम लगा। और लोगो वगैरह BMW का आने के बाद तो पैसे बढ़ी गए जो मैंने आपको बता ही दिया। अगर प्राइस की बात करें तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ये प्राइस लिस्ट है, आप देख सकते हो कहां पे कितना प्राइस है, किस चीज का कितना प्राइस है। जो ब्लैक वाली BMW G310 RR है उसका प्राइस थोड़ा कम है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक लेने वाले हो, और मेरे को पता है बहुत सारे लोग बाइक लेते नहीं है, बस ऐसे ही वीडियो को देखते हैं। थैंक यू यार आप फिर भी वीडियो को देखते हो, तो आप इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं चलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।